महाराष्ट्र में शिवसेना की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली है। एक साल के भीतर ही शिवसेना विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता प्रताप सरनाईक के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि मुंबई और ठाणे समेत 10 जगहों पर छापेमारी की गई है। ईडी ने प्रताप सरनाईक के बेटे विहंग को हिरासत में ले लिया है। खबरों के मुताबिक ये रेड टॉप सिक्योरिटी ग्रुप और विधायक प्रताप सरनाईक के बीच हुए आर्थिक लेन देन को लेकर हुई है। वहीं ईडी को शक है कि प्रताप सरनाईक और उनके परिवार ने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को छिपाया है। इसकी जांच ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। वहीं प्रताप सरनाईक खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं। प्रताप सरनाईक के घर हुए छापेमारी के बाद एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। शिवसेना पहले ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसी और खासतौर पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। फिलहाल शिवसेना ने भी इसे बदले की राजनीति और बीजेपी के विरुद्ध बोलने वाले नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास बताया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र बताया है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में एजेंसी का उपयोग कर कोई यहाँ की सरकार गिराना चाहता है तो वो मूर्ख है। उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक दबाव में नहीं आने वाला है, कुछ भी कर लो, हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। छापेमारी के बाद संजय राउत ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि किसी एजेंसी से दबाव डालकर सरकार बनाई जा सकती है तो ऐसा नहीं होगा। इसके साथ इन्होंने प्रताप सरनाईक के ठिकानों पर छापेमारी को एक राजनीतिक साजिश बताया। उधर शिवसेना के आरोपों पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि ईडी बिना होमवर्क के नहीं जाएगी। अगर सरनाईक ने भ्रष्टाचार किया होगा तो कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ईडी ने अभी ये खुलासा नहीं किया है कि छापेमारी के दौरान प्रताप सरनाईक के ठिकानों से क्या बरामद हुआ है, लेकिन इस छापेमारी के बाद एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।